और एक बार फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं, क्योंकि डर के आगे सतर्कता और सतर्कता के आगे समाधान नजर आता है और कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ डर था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जयपुर में फैल रहा है, 9 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए थे, डर लग रहा था कि कहीं तेजी से फैल तो नहीं जाएगा, कहीं तीसरी लहर का कारक तो नहीं बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई वो थोड़ी सी राहत देने वाली, क्योंकि 9 लोगों में से 4 नेगेटिव हो गए हैं, यानी जो 9 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए थे उनमें से 4 नेगेटिव हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार का एक सदस्य भी इसमें शामिल है। नेगेटिव आए 4 सदस्यों को आरयूएचएस से डिस्चार्ज करके होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। आरयूएचएस के अंदर अलग से डेडिकेटेड बोर्ड बनाया गया था। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, राहत की खबर, क्योंकि एक तरफ डर ये कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल तो नहीं जाएगा, लेकिन राहत ये कि उतनी ही तेजी से नेगेटिव हो रहा है। बिल्कुल, देखिए विजय जी, जैसे जो 9 लोग एक साथ पूरे प्रदेश में जयपुर के अंदर सामने आए थे पॉजिटिव, 4 तो दक्षिण अफ्रीका परिवार के लोग थे और 4 लोग 5 लोग वो थे जो इनके संपर्क में आने वाले नेगेटिव आए थे जी। देखिए ओमिक्रॉन जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, उसके बाद सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अभी ताजा जानकारी मिली थी इनमें से जो 4 लोग हैं उनके सैंपल जो है नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव होने वाले उनको आरयूएचएस से भेज दिया गया है। और साथ में ये भी अपडेट है कि 5 लोग अनुच हैं उनकी भी रिपोर्ट शाम तक नेगेटिव आने की उम्मीद है, अगर वो नहीं रहे तो सब उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। लेकिन साथ में खास बात ये भी है कि होम आइसोलेशन में बहुत ही चिंता भाग है उन सभी मरीजों पर विशेष निगरानी के नजदीक में है, ताकि उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाए। विकास, आरटीपीसीआर टेस्ट के थ्रू इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? हाँ बिल्कुल, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कह सकते हैं कि सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय टेस्ट है कोविड की जांच के लिए, और आरटीपीसीआर टेस्ट में ही ये 4 लोग जो है नेगेटिव आए हैं, उसके बाद इनको आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। विकास, ये माने कि अगर शाम तक 5 अन्य लोगों की भी जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो राजस्थान में आंकड़ा फिर से 0 होगा? बिल्कुल, अभी ये है कि अगर उनकी रिपोर्ट में नेगेटिव आती है तो आंकड़ा जो है 0 होगा, लेकिन अभी विशेष बात यह है कि इस जो नया वेरिएंट है इस पर मॉनिटर बहुत जरूरी है। ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी जी जुड़ गए हैं। सुधीर भंडारी जी, एक और उपलब्धि सर, 9 कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन संक्रमित, 4 नेगेटिव आ गए। यस, देखिए बहुत अच्छी बात यह है, हमारे जो 9 पेशेंट ओमिक्रॉन के एडमिटेड थे वो चारों ही ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और आज 4 जने डबल नेगेटिव आ गए। इट मीन्स एक बार कल नेगेटिव आए, एक बार आज नेगेटिव आए, तो डबल नेगेटिव आते ही हमने उनको होम क्वारंटाइन के लिए डिस्चार्ज कर दिया है। बाकी 5 पेशेंट भी ऑलमोस्ट ये सिम्टोमेटिक है, पूरे तौर पे रिकवर कर गए हैं, बस उनका भी जैसे ही डबल नेगेटिव आएगा हम उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। पर जिस तरह वो क्लिनिकली बेटर है और ऑलमोस्ट नॉर्मल है, मैं सोचता हूँ 1-2 दिन में वो भी डबल नेगेटिव हो जाए। सुधीर भंडारी जी, इन 9 पेशेंट की केस स्टडी के बाद क्या ये कहा जा सकता है, पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन खतरा नहीं है? देखिए 2 एस्पेक्ट है इसके, एक तो ये सारे पेशेंट डबल वैक्सीनेटेड थे, तो इससे आमजन को ये समझना चाहिए कि डबल वैक्सीनेशन का कितना फायदा है, पूरी डिजीज माइल्ड हो जाती है जी। और दूसरा, अभी तक जो डेटा सामने आया उसके अकॉर्डिंगली ओमिक्रॉन से माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम ही होते हैं, तो अगले कुछ हफ्तों में लॉन्ग टर्म स्टडीज में पता लगेगा कि क्रिटिकल सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, बट डबल वैक्सीनेशन इसको काफी हम हद तक इसको प्रोटेक्ट करता है। सर, कुछ जगहों पर देखा गया कि जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से इफेक्ट जो हुए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और नेगेटिव होने के बाद एक बार फिर से वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए, ऐसा तो नहीं कि हम इनको जी हमने इनके इन लोगों के कम से कम पिछले 5 दिन से प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक बार नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि एक फिनोमेना होता है इंटरमिटेंट शेडिंग जी, मींस एक दिन बाद प्रेजेंट हो सकता है, दूसरे दिन एब्सेंट हो सकता है, तीसरे दिन प्रेजेंट हो सकता है, तो ट्रूली स्पीकिंग ये 4 पेशेंट 5 दिन पहले ही नेगेटिव हो गए थे जी, लेकिन प्रतिदिन हम इनका टेस्टिंग कर रहे थे, एक दिन वापस पॉजिटिव आ गए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट शेडिंग ऑफ द वायरस जी। इसका तात्पर्य है कि कभी कभी नेगेटिव आने के बाद भी पेशेंट वापस पॉजिटिव हो सकता है,
बट सीटी वैल्यू इसकी बढ़ जाती है और वो सीटी वैल्यू काफी कम हो जाती है, इसका मतलब है वायरल लोड काफी कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है और हम लोग काफी सेफली इसको डील करते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे जरिए दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आरयूएचएस की पूरी टीम को बधाई सर, एक तरफ डर था और दूसरी तरफ आप मुस्तैदी से काम कर रहे थे, परिणाम सामने आ गया। थैंक यू सर। ये मानकर चलें कि जो कोरोना नेगेटिव हुए हैं, ओमिक्रॉन नेगेटिव हुए हैं, वो अब दोबारा वैसे पॉजिटिव नहीं होंगे जैसे बाकी जगहों पर देखा गया कि एक बार पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव हुए। हालांकि सुधीर भंडारी जी ने बताया कि वो कैसे हुआ है, फिर भी आपसे एक अपडेट चाहेंगे। जी हाँ, जो 9 पेशेंट जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन स्ट्रेन डायग्नोस हुआ था, उनमें से 4 पेशेंट डबल नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद में नेगेटिव हो चुके हैं जी। और वो शुरू से ही सारे के सारे पेशेंट राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है एसिम्प्टोमेटिक रहे। क्लिनिकली बात करें, चाहे ब्लड रिपोर्ट्स की बात करें, चाहे रेडियोलॉजिकली हम सीटी स्कैन की बात करें, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स इन सभी पेशेंट्स में नॉर्मल पाई जी। और बीच के अंदर इनिशियली जो एडमिशन के बाद के सैंपल्स भी हम डेली 4-5 दिन से कर रहे थे, लेकिन बीच में एक सैंपल क्रॉस चेक के दौरान पॉजिटिव आया और उसके बाद भी वो इंटरमीडिएट शेडिंग या जनरली इस वायरस का एक नेचर होता है जिसकी वजह से वो कई बार पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वायरल लोड धीरे धीरे डे बाय डे बॉडी के अंदर कम होता चला जाता है। तो आदमी इनिशियली जिस ढंग से इन्फेक्टिव होता है लेटर ऑन वो नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में चला जाता है। सर एक सवाल और आपसे सर जी, एक और सवाल आपसे, आपने इनको होम आइसोलेशन में रखा है यानी कि होम क्वारंटीन करने के लिए कहा है, मेडिकल टीम पुख्ता तरीके से ये आश्वस्त कर पाएगी कि ये उस नियम का पालन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इनके होम क्वारंटाइन का बस ये है कि जो एक्सपोजर टू अदर पीपल्स है वो कम से कम रहे और सीएमएचओ की जो हमारी फील्ड के अंदर जो एक्टिव टीम है उनकी निगरानी के अंदर ये लोग एक बार वहां रहेंगे और किसी भी तरह की कोई इनके अंदर किसी तरह की कंप्लेन आती है तो ये तुरंत जो है सीएमएचओ की टीम के माध्यम से हमारे से संपर्क में रहे। अजीत सिंह जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।